हर मैच देखने आती है अम्मा जी हमारी। हम टॉस हार चुके हैं और हमें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला हुआ है, तो दिखाते हैं धाकड़ बल्लेबाजी, भले ही पिच कैसी भी हो, बट कुंजा के लिए वो मायने नहीं रखती है। जी हाँ, कहीं ना कहीं बुमन का पिच पर रहना जरूरी है, क्योंकि फाइनल मैच चल रहा था हमारे पहाड़ में, फाइनल होते होते अब खेत बुआई का टाइम भी चल गया, बुआई का टाइम चला तो जिसका खेत था उसने हल चला दिया। जुड़े रहना चाहते हैं क्रिकेट से, देवभूमि से, मातृभूमि से, तो उत्तराखंड ट्रैवल टूरिज्म को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड ट्रैवल टूरिज्म, और दोस्तों मैं हूँ घुमक्कड़ कुंदन और घूमते रहिए मेरे साथ पूरा उत्तराखंड। तो जैसा कि लास्ट 2-3 ब्लॉग हमने डाले हैं वो हमारे क्रिकेट से रिलेटेड हैं, हमारे गांव में पनवानोला जो हमारी मार्केट है वहां पे टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत प्यार मिला हमारी पुरानी वीडियोस में, लास्ट जो 2-3 वीडियोस हमने डाली थी। तो देखते हैं आज हमारा दूसरा मैच है और टीम पूरी रेडी है बिल्कुल व्लॉग बनाने के लिए, जैसे कि मैं भी खेल रहा हूँ उस मैच में। तो ये भाई लोग हमारा पिछला जो वीडियो था उसमें आपने इनका काम देखा था, तो इस वीडियो में भी ये अपने जलवे बिखेरेंगे। तो हम टीम के अंदर खेल रहे हैं और ये टीम के बाहर गिम्बल और कैमरा लेके खड़े हैं, तो इनको धन्यवाद करना चाहेंगे हम कैमरे के माध्यम से भी। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और कर लेते हैं कुछ एंजॉय। तो ये हमारी अम्मा जी हैं जो यहाँ पे यूके बॉय, हमने बताया था आपको, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनकी अम्मा जी हैं, उनकी तो है ही है, हमारी भी अम्मा जी हैं। और इसके अलावा अम्मा जी डेली आती है कि अपने पोते का कार्य देखने के लिए कि उसने किस तरीके आयोजन करा रखा है यहाँ पे, तो हर मैच देखने आती है अम्मा जी हमारी। चंदा भी देंगे अम्मा जी, कदू चंदे देना, 500 रुपए आज अम्मा जी आज चंदा देने वाली है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी कोई ना अस्पताल। तो ये बहुत ही मरी जाएंगे, जब मरेंगे तब मरेंगे ना ना अम्मा जी, अभी तो बहुत जीना है आपको। तो अम्मा जी बोल रही है बोबू जी के नाम की पेंशन मिलती है और बस इन्हीं अच्छे कार्यों में उनको उड़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की जो पिच हमें लग रही है वो लग रही है कि मतलब बॉलिंग पिच लग रही है, पूरी गीली हो चुकी है, तो आज मुझे लग रहा है सिंगल डबल का ज्यादा महत्व रहेगा, चौके छक्के थोड़े कम ही जाएंगे, चलो देखते हैं। लेकिन कॉस्को की बॉल से क्या ही चौके छक्के या क्या ही पिच, तो बल्ले में आनीशी बॉल तो पारी है फिर सीधा। बच्चों का भरपूर योगदान देखिए, पिच सही की जा रही है, बहुत ही ज्यादा मौका मिल रहा है यहाँ पे, कोई माइक नहीं पकड़े बैठा हुआ है, तो हम अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं लोगों को। दोस्तों टॉस की पिच तक चाहिए है पहले, अच्छे अच्छे मैच देखने के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति परंपराओं को देखने के लिए उत्तराखंड ट्रैवल टूरिज्म को सब्सक्राइब करें, वहां आपको बहुत ही जबरदस्त वीडियोस देखने को मिलेगी ट्रैवल से रिलेटेड और उसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जागेश्वर में भी वहां काफी इवेंट्स हुए थे, तो वो भी आपको देखने के मिलेंगे। जुड़े रहना चाहते हैं क्रिकेट से, देवभूमि से, मातृभूमि से, तो उत्तराखंड ट्रैवल टूरिज्म को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज किसी कारणवश हमारा दूसरा मैच कराया गया, तो अभी पहला मैच चल रहा है किसी का, इसके बाद हमारा मैच है और कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। देखो प्रीति को छोड़ने घर आया हूँ थोड़ा सा है, तो फटाफट चलते हैं और क्या। तो मैं जाऊंगी इनका फाइनल मैच देखने, जब ये फाइनल्स में पहुंच जाएंगे तो इनका फाइनल मैच देखने हम भी आएंगे। तो उम्मीद करते हैं फाइनल तक पहुंचे हम लोग। अरे पहुंच जाओगे। मैच के बीच में पापा पापा बोलते हुए कप्तान, आज हमारे बच्चे भी लेके आए हुए हैं अपने, ये देखिए। तो दोस्तों मिलाते हैं आपको, इनका नाम है रमेश नेगी, हमारे चाचा जी लगते हैं और अपने टाइम के दिग्गज ऑलराउंडरों में इनका नाम मशहूर है। तो आज चाचा जी हमें थोड़ा सलाह देने आए हैं और एज ए कोच आए हैं कि कुंजा विलेज के, हमारे गांव से ही हैं। तो चाचा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब आपने कितने टूर्नामेंट खेले हैं, कोई रोचक किस्सा या कहानियां कभी हुई हो? ऐसा अक्सर हो ही जाता है, कभी न कभी हमारे पहाड़ में ग्राउंड की कमी है, ग्राउंड की कमी होने के कारण खेतों पे होते हैं,
खेतों में होने के कारण एक टाइम ऐसा आया कि फाइनल मैच चल रहा था हमारे पहाड़ में, फाइनल होते होते अब खेत बुआई का टाइम भी चल गया, बुआई का टाइम चला तो जिसका खेत था उसने हल चला दिया, फिर उसमें दोनों टीमों को विजेता घोषित करके ऐसे हो जाते हैं कभी कभी वाक्य। तो ये रोचक कहानी आपको पहाड़ों में ही देखने को मिलेगी दोस्तों, तो बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनने को मिली आज चाचा जी से। हम धन्यवाद करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि चाचा जी आज हमें अच्छी सलाहें देंगे और हम जीतेंगे। देखते हैं, धन्यवाद चाचा जी। जिस तरीके की शिक्षा का खेल है तो यहाँ से अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते, मैं उसकी शुरुआत करूंगा। अंतिम गोल जरूर है लेकिन 21 रन मात्र आ चुके और अंतिम गोल के अहले नए स्टैंड से बाहर है, आपको जैसे बताया कि आज लो स्कोरिंग मैच होने वाला था तो वही हुआ है। हाँ वही हुआ है, भैंसिया साना और पनोला का मैच था तो भैंसिया साना ने बल्लेबाजी चुनी तो और उन्होंने 72 रन का स्कोर खड़ा किया, लेकिन पनोला की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही, लगा नहीं था कि इतना खराब होगा उनका प्रदर्शन। 60 रन भी नहीं बना पाए। कौन जीता? टॉस खोला, खोला ने टॉस जीत लिया और फील्डिंग ले लिया। तो जैसा कि इस बार फिर से हम टॉस हार चुके हैं और हमें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला हुआ है, तो दिखाते हैं धाकड़ बल्लेबाजी, भले ही पिच कैसी भी हो बट कुंजा के लिए वो मायने नहीं रखती है। चलिए दिखाते हैं थोड़ा धाकड़दार बल्लेबाजी। तो दोस्तों यहाँ मैच के बीच में थ्रो बॉल का जो एक्शन था उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया गया, बट हमारे कप्तान ने बोला कि कोई बात नहीं, चलो डाल लेने दीजिए। अगली गेंद सम्मान किया, काफी नीचे रखे गए थे और कहते थे बल्लेबाजी की ओर कैच जा रहे कैच जा रहे जैसे 8-6 रन के लिए ये सोलह से बैच के हारा। इसी तरीके से एक और चौड़ा जारी है बल्लेबाजी बाहर, अंपायर का बैच है 6 रन कैच जारी है बल्लेबाजी की ओर, पीछे पीछे वहां पे अंपायर का बैच है। अगले बल्लेबाज के रूप में होंगे कुंदन, अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने पिछले मुकाबले में और एक बार फिर जरूरत है उनकी टीम को एक अच्छी पारी की, उनसे उम्मीद है कप्तान के उनसे काफी ज्यादा है। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी वन पे, आप देख सकते हैं उसको पूरे मुकाबले का रुख, वही हमारे कैमरामैन आदि और प्रियांशु नजर बनाए हुए हैं उस वक्त पूरी तरीके से पूरे मैच में। इसी के साथ कुंजा खाली ने अपना ताज बोल्ड कर दिया है। ये
जी हाँ, कहीं ना कहीं कुंभन का पिच पर रहना जरूरी है क्योंकि तो दोस्तों हमने 91 रन मारे हैं, देखते हैं अच्छा स्कोर है, लड़ने लायक स्कोर है, देखते हैं आगे ब्लॉग में। थक चुके हैं अभी, थोड़ा बैटिंग करके आ रखे हैं। कैच थोड़ी था ये दोस्तों, ये कैच नहीं था, हो सकता था वैसे, लेकिन लेन होती ना तो टाइम मारते। छोले अंडे के मजे लेते हुए कप्तान और व्लॉगिंग टीम, आज कप्तान जैसे बच्चे लेके आए अपने, तो कप्तान को मैच जीतना बहुत ही जरूरी हो गया था, तो कप्तान के लिए ओवर के आए घुमक्कड़ कुंदन। तो काफी टफ मुकाबला लग रहा था, टीम भी काफी अच्छी थी, फिर भी हमने 43 पे उनको ऑल आउट कर दिया दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। आसार काफी अच्छे लग रहे हैं हमारे, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा जो हमारी ये टीम व्लॉग बना रही है, गौरव, आदि और प्रियांशु, इन लोगों का भी आप शुक्रिया अदा कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं आप तक ये वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय दोस्तों।